गुम इंसान की तलाश। विष्णु अहिरवार, उम्र 25 साल, निवासी छतपुरा, थाना चंदला, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, 17 अगस्त से गुम है। जिस किसी को ये व्यक्ति दिखे तो इस नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7 8 9 8 8 4 4 8 2 7 पर बताने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। दिद्वारा सरपंच ने नियम विरुद्ध तरीके से बेटे के नाम 2,95,000 रुपये का कर दिया भुगतान। दिद्वारा सरपंच ने बेटे के नाम भुगतान करने पर हुई कलेक्टर छतरपुर, जिला पंचायत सीईओ व लवकुशनगर जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत। छतरपुर जिले के लवकुशनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत दिद्वारा में सरपंच ने नियमों को ताक में रखकर अपने बेटे के नाम ही कर दिया भुगतान। नियम विरुद्ध और मनमानी की शिकायत आला अधिकारियों से की गई है। पंचायतों में मनमानी इस कदर बड़ी है कि नियमों को ही ताक में रखकर कार्य चल रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत दिद्वारा का सामने आया है, जहां सरपंच राजकुमारी चौरसिया ने अपने बेटे सुरेंद्र चौरसिया को लाभान्वित करने के लिए पंचायत निधि के मदों से 2,95,000 का भुगतान कर दिया। शिकायतकर्ता ने इस संबंध की शिकायत कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित लवकुशनगर सीईओ से की है। शिकायत में बताया गया कि सरपंच राजकुमारी चौरसिया ने सचिव के साथ मिलकर पुत्र को 3 मार्च 2022 को 28,500 रुपये, 15 मार्च 2022 को 20,300 रुपये, 14 अगस्त 2022 को 22,740 रुपये, 14 सितंबर 2022 को 22,450 रुपये, 22 अक्टूबर 2022 को 21,000 रुपये, 5 अप्रैल 2023 को 49,000 रुपये के भुगतान नियम विरुद्ध तरीके से कर दिए गए हैं। ऐसे किए गए भुगतान जांच का विषय बने हुए हैं। निर्माण कार्य, नाली सफाई से लेकर प्रिंट व बायोमेट्रिक डिवाइस का भुगतान सरपंच पुत्र के नाम कर दिया। सरपंच ने अपने पद और लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नाली साफ सफाई, यहां तक कि प्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस तक का भुगतान अपने पुत्र के नाम कर दिया। 16 सितंबर 2022 को मेन रास्ता की सफाई का भुगतान 22,470 रुपये, पुनः 19 सितंबर 2022 को मेन रास्ता की सफाई का भुगतान 22,450 रुपये, 12 अक्टूबर 2022 को रास्ता की सफाई का 21,000 रुपये, 9 मई 2022 को नालियों की सफाई का 45,000 रुपये एवं प्रिंट एवं बायोमेट्रिक डिवाइस का भुगतान 20,300 रुपये का कर दिया। शिकायती पत्र सौंपकर सरपंच को पद से पृथक करने की मांग की गई है। इस पूरे मामले में लवकुशनगर जनपद पंचायत सीईओ ने कार्यवाही सहित धारा 40 का नोटिस देने की बात कही है। राज इंडिया 18 के लिए क्षेत्रीय ब्यूरो, धर्मेंद्र गुप्ता, लवकुशनगर। आवेदन अभी मेरे को मिला है, जिसमें आपने उल्लेख किया है कि कई सारे नियम के विरुद्ध क्रय किया है। इसका जो पहले तो मैं जांच करवा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सरपंच के खिलाफ धारा 40 और 92 की वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित करूँगा। आपके एक शहर से यह खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शहर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है, क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।